नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीटी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने हाजिर हुए हैं हरियाणा जीके की करंट अफेयर के साथ। और करंट अफेयर में हम चर्चा करेंगे 1 से 7 जनवरी तक के जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया हरियाणा के कौटिल्य पंडित, बहुत ही जाना पहचाना नाम है कौटिल्य पंडित, को किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। पूछा गया है कि जो इन्होंने ये अवार्ड मिला था, ये किसने दिया था। देखिए, कम उम्र के बहुत ही जाने माने चेहरे हैं कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित का संबंध है करनाल जिले से। उन्हें एक उनकी उपलब्धि पर एक अवार्ड मिला है, और जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है किरण बेदी ने। किरण बेदी ने इसे ये पुरस्कार दिया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये अवार्ड किसे मिला था, ग्लोबल ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड 2020 किसे मिला था, तो मिला था कौटिल्य पंडित को। किसने दिया था, तो दिया था किरण बेदी ने। देखिए, ये शख्स मात्र 5 वर्ष 10 महीने के थे जब इन्होंने पूरे विश्व में एक अपने नाम का डंका बजाया था। बात करें विश्व भूगोल, प्रति व्यक्ति आय या साइंस से जुड़ी सभी बातें इन्हें मात्र 5 वर्ष के अंदर ही पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। बहुत दिन चर्चा में रहे थे ये। इन्हीं के तौर पे इन्हें एक अवार्ड मिला है, और जो अवार्ड दिया है वो दिया है किरण बेदी ने। इससे जुड़ी एक दो बातें और भी पूछी जा सकती है। पूछा जा सकता है कौटिल्य पंडित का संबंध किस गांव से है। तो दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में गांव पूछे तो इनका गांव है कोहड़ गांव। कोहड़ गांव से संबंध रखते हैं ये। और जो ये कोहड़ गांव है, ये कोहड़ गांव है करनाल जिले में। करनाल करनाल जिले में है कोहड़ गांव। और जो इन्हें अवार्ड दिया था वो दिया था किरण बेदी ने। तो किरण बेदी के बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज वर्तमान समय में जो पांडिचेरी की राज्यपाल है वो है किरण बेदी। एक इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी थी। प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी। वर्तमान में पांडिचेरी की राज्यपाल है। तो इन दोनों से जुड़ा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, हरियाणा सरकार ने किस नगर पालिका को 2020 में नगर परिषद का दर्जा दिया है। देखिए दोस्तों, पहले तो वो थी नगर पालिका, और 2020 में घोषणा की गई थी जिसके अंदर उन्हें बना दिया गया था नगर परिषद। तो वो जिला है झज्जर जिला। झज्जर जिले में पहले एक ही नगर परिषद थी जो जानी जाती थी बहादुरगढ़ के नाम से। पहले एक थी जो बहादुरगढ़ नाम से जानी जाती थी। उसके बाद एक नई नगर परिषद का और निर्माण किया गया है, और जो वो किया गया है वो किया गया है झज्जर के नाम से। अब झज्जर भी नगर परिषद कहलाएगी, और जो बहादुरगढ़ है ये भी नगर परिषद कहलाएगी। अब दो एक नई नगर परिषद मिलकर, आज अगर हम वर्तमान में बात करें कि हरियाणा के अंदर कुल नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो हरियाणा में कुल 20 नगर परिषद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हरियाणा में किसे नई नगर परिषद बनाई गई है। तो नई बनाई गई है झज्जर को, पहले बहादुरगढ़ थी झज्जर जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। आज वर्तमान के समय में कुल हरियाणा में 20 नगर परिषद है। पहले झज्जर नगर पालिका थी, आज वर्तमान में नगर परिषद बन गई। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली बिजली कितने घंटे की वृद्धि की है। देखिए दोस्तों, बिजली तो किसानों को पहले भी मिलती थी। इन नई सरकार का गठन हुआ है, नए मंत्री ने कार्यभार संभाला है, और जो मंत्री है ये जुड़े हुए कृषि कार्य से, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं नेता, जो चौटाला परिवार से संबंध रखते हैं। ये है हरियाणा के वर्तमान बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। तो बिजली मंत्री के बारे में पूछे तो वर्तमान में जो हरियाणा के बिजली मंत्री है वो है रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला आजाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। बाद में ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था, और आज के समय ये हरियाणा के जेल व ऊर्जा बिजली मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने हरियाणा में जो किसानों को मिलने वाली बिजली है उसमें 2 घंटों का इजाफा किया है।
पहले दोस्तों जो किसानों को बिजली मिलती थी वो मात्र 8 घंटे मिलती थी। इन्होंने बिजली मंत्री बनने के बाद 2 घंटे और बिजली देने का वादा किया है। तो जो आज वर्तमान समय में हरियाणा के किसानों को जो बिजली मिलेगी वो मिलेगी 10 घंटे। तो अगर आपसे पूछे कितने घंटे बढ़ाई गई है तो 2 घंटे बढ़ाई गई है। अगर आपसे पूछे ले पहले कितनी मिलती थी तो मिलती थी 8 घंटे। अगर पूछे ले अब कितनी मिलती है तो अब मिलती है हरियाणा में किसानों को 10 घंटे बिजली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया हाल ही में हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी, जो हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी है इसका एक नया निदेशक बनाया गया है, और वो किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जो हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी का निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है सुनील विशिष्ट को। सुनील विशिष्ट भी एक जाने माने हस्ती है। ये लगभग 20 वर्ष तक आरएसएस के तौर पर इन्होंने हरियाणा के रूप में प्रचार किया था, यानी कि 20 वर्ष से आरएसएस से जुड़े थे। उन्हीं की इस उपलब्धि के कारण इसे आज वर्तमान में हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि सुनील विशिष्ट है इसका संबंध किस जिले से है तो ये अंबाड़ा जिले से संबंध रखते हैं सुनील विशिष्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में हरियाणा फिल्म सेल। देखिए दोस्तों पहले थी हरियाणा फिल्म सेल, आज वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जो आज वर्तमान में हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर किया गया है वो किया गया हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड यानी कि जो हरियाणा में फिल्मों से जुड़े व्यक्ति है उनको मोटिव या अलग से प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हीं को मोटिव करने के लिए हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदला गया है। और आज में जो नाम रखा गया है वो रखा गया हरियाणा प्रमोशन बोर्ड या हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। और इसके एक नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं यानी कि चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन भी एक जानी मानी हस्ती है जिसका नाम है सतीश कौशिक। तो वर्तमान में हरियाणा प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है सतीश कौशिक को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हरियाणा सरकार कितनी आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने जा रही है। देखिए दोस्तों पहले आंगनबाड़ी होती थी गांव में, शहरों में, कस्बों में। तो जो आंगनबाड़ी थी वे बिल्कुल एक कम स्तर पर कार्य करती थी, यानी कि बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने लग सीमित थी। आज वर्तमान में हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो हरियाणा में 491 आंगनबाड़ी केंद्र है अलग से जो नवनिर्मित हुए उनको हाईटेक बनाने का कार्य किया जाएगा। और जो हाईटेक बनाने का कार्य किया जाएगा इसमें सभी प्रकार की सुविधा दी जाएगी, यानी कि बच्चों को खाना पीना पढ़ाना सभी कार्य इस आंगनबाड़ी के अधिकृत हो गए। इसीलिए हरियाणा सरकार ने अब जो घोषणा की है वो की है 491 नई आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक करने जा रही है हरियाणा सरकार। तो एग्जाम में पूछे कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक करने जा रही है, तो 491 आंगनबाड़ी केंद्रों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव। देखिए दोस्तों लाल डोरा ये पहले एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो लाल डोरे वाली समस्या थी। देखिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक नियम बनाया है जिसका नाम रखा गया लाल डोरा मुक्त गांव। पहले देखिए दोस्तों प्राचीन समय में लोग कहीं जाकर कोई किसी गांव में बस गया, कोई किसी गांव में, तो मानो किसी ने 4 बीघे जमीन को अपने नाम कर लिया, किसी ने 2 बीघे को, तो ये अलग अलग किसानों में बट गई थी। हर रोज किसी का किसी के ऊपर झगड़ा चलता था। बाद में हरियाणा सरकार ने योजना बनाई थी कि लाल डोरा मुक्त गांव की। अब देखिए दोस्तों जो भी गांव वालों के पास जो भी जमीन थी अब उस जमीन पर वे सिर्फ खेती कर सकते थे, न कोई बेच सकता था ना कोई उधार या लोन ले सकता था। अब जो भी जमींदार जितनी भी जमीन बोता था उनको सभी पूरी जमीन उनके अधिकृत कर दी है, यानी कि वो लोन भी ले सकते हैं, उस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और खुला रूप से वो मकान भी बना सकते हैं। तो ये थी लाल डोरा स्कीम। अगर हमसे पूछा गया कि ऐसा पहला कौन सा गांव था, तो दोस्तों ऐसा पहला गांव है करनाल जिले के अंदर जिस गांव का नाम है सिरसी गांव। सिरसी गांव हरियाणा का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव बना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है, तो करनाल के अंदर है सिरसी गांव। और जो ये गांव है ये भी करनाल जिले में मनोहर लाल खट्टर के बिल्कुल सीएम हाउस के पास है, तो इन्हीं से लेकर उन्होंने इस गांव की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछे प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव तो आएगा सिरसी गांव। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन दिया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री के नए ओएसडी। पूछा गया हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनका नया ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, एक एचसीएस ऑफिसर है जिनका नाम है सतीश कुमार। सतीश कुमार पहले भिवानी नारनौल के एसडीएम भी रह चुके, आज वर्तमान में उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी बनाए गए हैं। तो ये है सतीश कुमार की फोटो, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री के ओएसडी है सतीश कुमार, पहले भिवानी और नारनौल के एसडीएम भी रह चुके हैं, कल्पना चावला विश्वविद्यालय के ये निदेशक भी रह चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप का खिताब किस जिले की टीम ने जीता है। तो दोस्तों, पूछा गया है जो सातवीं महिला हॉकी सब जूनियर महिला ये प्रतियोगिता थी, ये कहाँ थी या कहाँ की गई थी, किस जिले ने इसका अवार्ड जीता है। तो दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी इसार जिले के अंदर, और पूछ ले इसका जो पुरस्कार है या इसमें प्रथम विजेता कौन सी टीम रही है, तो इसार की टीम ही इसके अंदर प्रथम विजेता रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला डिजिटल गांव। बात की है डिजिटल इंडिया बनाने की नरेंद्र मोदी ने की थी, उसी की देखरेख में हरियाणा के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक हरियाणा का छोटा सा गांव को डिजिटल गांव बनाने का लक्ष्य रखा था, और उन्होंने अब घोषणा की है कि हरियाणा का एक डिजिटल गांव बना है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा बना है, तो दोस्तों वो गांव बना है गुरावड़ा गांव। गुरावड़ा गांव रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, और इस गांव की घोषणा की थी भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। अब जो इस गांव के अंदर जो भी कार्य होगी वो सारे के सारे कार्य ऑनलाइन किए जाएगी, जैसे कि किसानों का लोन हो, किसी की पेंशन हो, हॉस्पिटल का कोई कार्य हो या कोई दवाई हो, सारे के सारे डिजिटल कर दी गई है, सारे के सारे ऑनलाइन कंप्यूटर माध्यम से इस गांव के कार्य चलेगी, चाहे वो वाईफाई हो, कुछ भी हो, आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, स्कूल की क्लासें भी प्रोजेक्टर के माध्यम से चलेगी। तो पूर्ण रूप से हरियाणा का प्रथम डिजिटल गांव की बात करें तो गुरावड़ा गांव है, ऑप्शन दिया गया है नीला वाली। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा का अगर आपसे पूछ ले पहला कैशलेस गांव कौन सा है, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है नीला वाली गांव। नीला वाली गांव जो है ये सिरसा जिले के अंदर आता है, और पूछ ले हरियाणा का पहला कैशलेस गांव, तो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव भी है नीला वाली। उसके बाद एक दिया गया है जुगलान गांव लिखा हुआ है, दोस्तों ये हरियाणा का पहला वाईफाई फ्री गांव है। तो अगर आपसे पूछे हरियाणा का प्रथम वाईफाई फ्री गांव कौन सा है, तो हरियाणा का प्रथम वाईफाई फ्री गांव है जुगलान गांव। जुगलान गांव हिसार जिले के अंतर्गत आता है, और इस गांव को वाईफाई फ्री करने की घोषणा की थी उस समय के वर्तमान सांसद दुष्यंत चौटाला ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया हरियाणा में प्रथम आलू मेला। देखिए दोस्तों, पहले एक मेला लगता था हरियाणा के अंदर जो था आम का मेला, जो पिंजौर में लगता था। पिंजौर के अंदर बहुत बड़ा बाग है आम का, उसी के अंदर एक मेले का आयोजन किया जाता था। अब वर्तमान में हरियाणा में आलू की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए एक मेले का आयोजन किया गया था, और जो ये मेले का आयोजन किया गया था ये किया गया था आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में, और जो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है ये है शामगढ़ नामक गांव में, और जो शामगढ़ गांव है ये गांव है करनाल के अंदर, शामगढ़ गांव में। शामगढ़ गांव में इस मेले का आयोजन किया गया था, और जो ये आयोजन किया गया था ये किया गया था 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को आयोजन किया गया था। इस मेले के अंदर लगभग 191 आलू की किस्मों को प्रदर्शित किया गया था। तो अगर आपसे आलू की किस्में भी पूछी जा सकती है, तो 191 किस्में थी आलू की इसके अंदर। कहाँ लगा था, शामगढ़ गांव के अंदर लगा था, शामगढ़ गांव करनाल में आता है, और 22 दिसंबर को ये मेला लगा था। इस मेले का उद्घाटन किया था हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए दोस्तों, वो नाम है संदीप आर्य का। संदीप आर्य ने सूर्य नमस्कार करके
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने लगातार 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार किया था, तो टाइम भी पूछा जा सकता है। लगातार 36 घंटे 21 मिनट तक इन्होंने सूर्य नमस्कार किया था। इससे पहले भी इन्हीं का ही नाम था वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। इन्होंने पहले जो रिकॉर्ड बनाया था वो बनाया था 17 घंटे 30 मिनट तक सूर्य नमस्कार करने का। तो अगर पहले पूछे तो 17 घंटे 30 मिनट आएगा, आज वर्तमान में पूछे तो इन्होंने 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार किया है। नाम है संदीप आर्य। अगर पूछ ले संदीप आर्य का संबंध किस जिले से है, तो ये संबंध रखते हैं हिसार जिले से। हिसार जिला पूछे तो आएगा हिसार। आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले गांव सीधा, तो गांव ये है इसका फरीदपुर गांव। फरीदपुर गांव से संबंध रखते हैं संदीप आर्य। सूर्य नमस्कार में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया अटल कैंटीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए दोस्तों, अटल कैंटीन नाम से पता चल गया अटल, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर एक कैंटीन का शुभारंभ किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को शुरू किया था, वो किया था स्पेशल किसानों के लिए। देखिए दोस्तों, पहले किसान मंडी के अंदर अपना अनाज बेचने जाते थे, तो वहां उन्हें खाने की बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ता था। अब मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की मंडियों में एक अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया है, जिसके अंदर वहां पर जाने वाले किसानों को मात्र 10 रुपए में थाली मिलेगी। 10 रुपए, 10 रुपए में खाने की थाली मिलेगी यहां पर जाने वाले किसानों को। शुरुआत में जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत की गई है हरियाणा की 25 मंडियों से। 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत की है और ये की है करनाल की मंडी से। तो अगर आपसे पूछे कहां से शुरुआत की है, तो शुरुआत की है करनाल की अनाज मंडी से। याद रखना, करनाल की अनाज मंडी से। और जो ये शुरुआत की है, शुरू में की है 25 मंडियों से। की किसने है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने। यहां पर किसानों को 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया हरियाणा के किस जिले से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर स्कीम बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। देखिए दोस्तों, ये भी हरियाणा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, पर किलोमीटर स्कीम। इस स्कीम की शुरुआत की बात करें हम, तो इस स्कीम की शुरुआत की थी गुरुग्राम से। गुरुग्राम से शुरुआत की थी। और जो हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री है, मूलचंद शर्मा है, इन्होंने इस सेवा की शुरुआत की थी पर किलोमीटर स्कीम की। अब देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन लागू होगी, बस होगी प्राइवेट, और जो प्राइवेट बस होगी उसके अंदर एक ड्राइवर होगा, वो भी प्राइवेट होगा, और जो कनेक्टर है वो रहेगा सरकार के द्वारा, यानी कि सरकारी कर्मचारी होगा उसका कनेक्टर। पहले जो ये सेवा थी, मान के चलिए आज के समय जो रोडवेज बसें चलती है उसमें 52 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा देना पड़ता है सरकार को, 52 रुपए पर किलोमीटर का। अब जो पर किलोमीटर स्कीम चलाई है, इसके अंदर प्राइवेट बसें चलेगी, और जो हरियाणा सरकार प्राइवेट बस कर्मचारी है उनको जो वेतन देगी, वो देगी मात्र 26 रुपए, 26 रुपए 95 पैसे। अब देखो, 26 रुपए 95 पैसे लगभग 27 रुपए मिलेगी, और एक हरियाणा रोडवेज चलती है 52 रुपए खर्चे के साथ। तो ऐसे अब दो जो परिवहन निगम लिमिटेड की बसें है, वो दो बसें एक रोडवेज बस के अनुसार चलेगी। तो इसी की देखरेख में हरियाणा में पर किलोमीटर स्कीम योजना लागू की गई है। किसने की थी? हरियाणा के जो वर्तमान परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, इन्होंने इसका शुभारंभ किया था गुरुग्राम नामक जिले से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया कितने जिलों पायलट आधारित महिला स्पेशल बस चलाई गई है। दोस्तों, पायलट आधारित महिला स्पेशल बस, ये वो बस है जो स्पेशल महिलाओं के लिए चलेगी। और जो ये बस चलाई गई है, ये छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना स्कीम के अंतर्गत चलेगी। ये शुरुआत की गई है हरियाणा के 5 जिलों से, जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है,
यानी कि हम बात करें पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल, पांच जिलों में इस बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसके अंदर जो ड्राइवर होगा या कनेक्टर होगा वो दोनों की दोनों महिला होगी और इन बसों के अंदर सिर्फ महिला ही सफर कर पाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया किस हरियाणवी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो स्टेट पार्टी का दर्जा है ये देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक राज्य में एक नई पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है। अब जो इसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है तो हरियाणा राज्य में अब कोई भी नव निर्मित या नव गठित पार्टी होगी तो उस पार्टी को चुनाव चिन्ह चाबी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि ये पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब जो नई पार्टी बनी थी जननायक जनता पार्टी, इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में चाबी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था और वर्तमान में इन्होंने 10 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। 10 सीटों के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बात करें इस पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये पार्टी है इसका गठन किया गया था 9 दिसंबर 2018 को इस पार्टी का गठन किया गया था। और जो गठन किया था वो किया था दुष्यंत चौटाला, जो आज वर्तमान समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, और इनके साथ इनके पिता थे अजय सिंह चौटाला। अगर बात करें वर्तमान में जननायक जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है सरदार निशांत सिंह, उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत सिंह चौटाला। इस पार्टी का नाम रखा गया जननायक जनता पार्टी। हमें पता है जननायक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था, तो चौधरी देवीलाल को जाना जाता था जननायक के नाम से। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने के लिए उन्हीं के नाम से एक पार्टी का गठन किया गया है, जो है जननायक जनता पार्टी। तो नव गठित पार्टी है हरियाणा की जननायक जनता पार्टी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसे जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जूनियर फ्री स्टाइल। तो दोस्तों ये अवार्ड मिला है दीपक पुनिया को। दीपक पुनिया का संबंध है भिवानी जिले से। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने एक पुरस्कार प्राप्त किया था। 86 किलोग्राम की फाइट लड़ते हैं ये, और सबसे कम आयु में गोल्ड मेडल जीतने का नाम भी दीपक पुनिया का ही आता है। दीपक पुनिया का संबंध है भिवानी जिले से, भिवानी के रहने वाले हैं दीपक पुनिया। सबसे कम आयु में गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष है भारत की तरफ से ही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है किस हरियाणवी नेता को यूथ यूथ आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणवी नेता है, नाम आता है यूथ, तो यूथ भी है, शिक्षित भी है और संघर्षशील भी है। नाम है दुष्यंत सिंह चौटाला, वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी सीएम है। पूरे विश्व के सबसे 20 प्रसिद्ध लोगों में इन्हें शामिल किया गया है, और शामिल किया गया है इस कारण क्योंकि एक नई पार्टी बनाई थी जिस पार्टी का नाम था जननायक जनता पार्टी। पहले ही चुनाव में उस पार्टी ने 10 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर हरियाणा में सरकार बनाई है। तो नाम आएगा दुष्यंत सिंह चौटाला। अगला क्वेश्चन है देश का पहला राज्य जिसने ट्रेकिया बार कोडिंग प्रणाली की शुरुआत की है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेकिया बार कोडिंग प्रणाली, इसकी शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। हरियाणा में शुरुआत की गई है। दोस्तों देखिए, पहले कोई भी व्यक्ति होता था, मान लो कहीं पंचकुला जाकर कोई केस दर्ज हो गया, उस पर कहीं हिसार जाकर कोई केस दर्ज हो गया। अब कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी जाकर कोई भी घटना को अंजाम देगा तो वो सारा का सारा एक बार कोड के माध्यम से उसका केस दर्ज हो गए, यानी कि एक बार उसके नाम से एक बार कोड बना दिया जाएगा। कोई भी जिले में अगर वो कोई भी क्राइम करेगा तो अगर उसे उस बार कोड से क्राइम में शामिल किया जाएगा और देखा जाएगा तो सारे के सारे जो उसके क्राइम है वो एक बार कोड के माध्यम से, कोई भी चीज, लोकल थाना हो, चाहे कोई सदर थाना हो, सिटी थाना हो, सभी में उसका नाम दर्ज मिलेगा। तो ये प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हरियाणवी खिलाड़ी को फिक्की ने, नाम है फिक्की ने, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब दिया है। तो दोस्तों वो एक जानी मानी हस्ती है जो कम उम्र की है,
और उसका नाम है रानी रामपाल। रानी रामपाल वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। अगर बात करें रानी रामपाल का संबंध कहाँ से है, तो जो रानी रामपाल है ये संबंध रखती है शाहबाद से। शाहबाद वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है, शाहबाद से संबंध रखती है। याद रखना शाहबाद को हरियाणा में हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है। और जो महिला है रानी रामपाल सबसे कम आयु में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनने वाली महिला है। जो इसे अवार्ड मिला है वो मिला है फिक्की की तरफ से। अगर बात करें फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 को। फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 को। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष है संजीता रेड्डी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली वीक की करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। तभी तक मेरा आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।